हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्लाज्मा के बारे में जरूर बताएं, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। तो आज हम प्लाज्मा को समझेंगे और जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। हालांकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं क्योंकि छोटा टॉपिक है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि आखिर प्लाज्मा क्या होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जो बिजली आप देखते हैं जब बारिश होती है, जैसा कभी बारिश हो रही है, तो जो बिजली कड़कती है वो भी क्या है, प्लाज्मा का ही रूप है। और जो सूरज आप देखते हैं, जो सूरज के ऊपर लेयर है, वो भी क्या है, अपने आप में एक प्लाज्मा का रूप है। सूरज के अंदर जो कोर है वो भी क्या है, अपने आप में प्लाज्मा का रूप है। और जो लाइट में आप देखते हैं, जो आर्गन गैस होते हैं, जो हीलियम गैस होते हैं या हाइड्रोजन गैस होते हैं, वो क्या होते हैं, चमकते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या होते हैं, प्लाज्मा का रूप होते हैं। और उन्हें फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर कहा जाता है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर क्यों कहा जाता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक कोर्स है, फ्लो का कोर्स है, जिसमें आप पढ़ाई करते वक्त कैसे ऐसे स्टेट में जा पाए ताकि आप 5 times क्या हो, बेहतर पढ़ाई कर पाए, 5 गुना बेहतर एफिशिएंसी से पढ़ाई कर पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कोर्स फॉरेन में 40,000 का बिकता है, पर इंडियन इसे ले नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो इंग्लिश में है, दूसरा ये 40,000 इतना महंगा है। तो उस कोर्स को हमने सिर्फ मात्र 299 में मिलाया है। अगर आप कूपन कोड FLOW25 आप यूज करेंगे तो आपको ये मात्र 299 में मिलेगा और यह वैलिडिटी सिर्फ 3 से 4 दिन तक रहेगी, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें और अपने दोस्तों और भाइयों को भी शेयर करें ताकि वह भी इनका फायदा उठा पाए। क्योंकि आपको पता है कई सालों तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। और एक सवाल हमेशा रह जाता है कि आखिर सब कुछ करने के बाद सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो बात वहां पे होती है एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी आप यहां पे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा की खोज की थी वो किसने किया था, सर विलियम क्रूक्स ने। कब किया था, 1879 में। ठीक है दोस्तों, यह उन्होंने क्या किया था, खोज किया था। उन्होंने बताया था कि फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर होता है, ठीक है, और ये इसकी अवस्था है। पर क्योंकि इससे पहले यह माना जाता था कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो दुनिया को यही लगता था कि भाई 4-3 स्टेट हैं, 3 चीजें हम आसपास देखते हैं। लेकिन वो बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, एक मैटर और है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, वो फोर्थ स्टेट है, ठीक है। और इसका जो नाम दिया जाता है प्लाज्मा, ये कब दिया जाता है, ठीक है, ये आई लैंगमुर करके हैं, 1928 में क्या होता है ये दिया जाता है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं कैसे, ठीक है, उसको चार्ज के द्वारा, मतलब चार्ज ट्यूब होता है उसमें ये इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर प्लाज्मा क्या होता है। आपको पता है कि जो सूरज होता है आप देखेंगे वह किससे बना होता है, हाइड्रोजन हीलियम इन्हीं सबसे मिलकर बना होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं, और उसी प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सूरज है चमकता है। अब आप बात समझिए कि मान लीजिए क्या होता है कि अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएं, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है, जो आइस है, आइस का टुकड़ा है, हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये किसमें बदला, यह पानी में बदला। हमने इसका टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये किसमें बदला, यह किसमें बदला, गैस में बदला, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो किसमें बदल रहा है, ये गैस में बदल रहा है। ये गैस किसमें है, H2O में है। अब हम क्या करें, इसको और गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, यह टूट जाएगा, ठीक है, किसमें टूट जाएगा, H2 और O ऑक्सीजन में ये टूट जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। इसको हम और गर्म करें, और गर्म करें, और गर्म करें, तो जो हाइड्रोजन है यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो आयंस है ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जब ये बाहर आ जाएगा तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो हाइड्रोजन है, इसको क्या चाहिए, फिर इसको प्लस चार्ज चाहिए, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इसको और गर्म करें, और गर्म करें, और गर्म करें, तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है इसको इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, इतनी ज्यादा ताकत मिल जाएगी कि यह क्या करेगा, जो इसका फील्ड है, जो ये लाइंस है, ठीक है, मतलब जो सेल है उसको छोड़ के ये भाग जाएगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा, जैसे ही ये बाहर निकला, यही सिचुएशन क्या होती है, इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, तो ये आयंस है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप एक पॉजिटिव आयंस है। तो ये दोनों क्या होते हैं, आयंस में बदल जाते हैं, मतलब एक तरीके से चार्ज में बदल जाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है,
वैसे ही न्यूक्लियस प्रोटॉन के ऊपर भी अपना एक चार्ज होता है। अब दोनों क्या हैं, दोनों चार्ज हैं, मतलब उत्तेजित हैं। ओ मुझे एक बंदा चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, वो दोनों मिलकर क्या है, हाइड्रोजन है। मान लीजिए दोनों का जो पेयर है क्या है, हाइड्रोजन का है। अब क्या होता है, जो लड़का होता है या लड़की होती है वो लड़के को धोखा दे देती है। धोखा क्यों दे देती है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल रही थी। ऊर्जा कैसे मिल रही थी, कि एक बाहर का लड़का था वो क्या कर रहा था, इस लड़की को बार बार अट्रैक्ट कर रहा था। और जो बाहर का जो लड़का था बहुत ही ज्यादा उसके पास क्या था, ताकत था, बहुत पैसा था, बहुत कुछ था। तो जो लड़की होती है अट्रैक्ट हो जाती है और इस लड़के को दे देती है धोखा और यह जाती है बाहर, मतलब रिलेशनशिप को तोड़ के बाहर आ जाती है। अब बाहर आने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़का इसको छोड़ चला जाता है। अब ये लड़की ना इधर की रही ना इधर की रही, ये भी अकेली, ये तो कहीं का नहीं रहा क्योंकि इसको तो इसके पास कोई नहीं है। अब दोनों तड़प रहे हैं कि मुझे कोई और मिल जाए। तो ये ढूंढ रहा है एक लड़की, मतलब ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये ढूंढ रहा है, ये लड़की ढूंढ रही है एक लड़का, ठीक है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो समझ रहे हैं कि दोनों उत्तेजित है, दोनों को कुछ ना कोई ना कोई चाहिए, मतलब समझ रहे हैं आप। तो यही कंडीशन क्या होती है प्लाज्मा की होती है, कि हाइड्रोजन ने क्या किया है या जो हीलियम है उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, ठीक है। तो अब उनको उनके ऊपर एक तरीके से प्लस आयंस है और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आयंस है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दोनों टहल रहे हैं। और इन्हीं अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकली, ठीक है, लेकिन जिसने इसको बोला कि तुम आ जाओ मेरे पास, जैसे मान लीजिए यहां पर लाइट था, ये इसको बाहर निकालता है, ठीक है, हीट बाहर निकाल दिया, अब ये बाहर निकल गई। लेकिन ये क्या, ये धोखेबाज था, ये बोला कि नहीं है मेरा मूड बदल गया है, मैं जा रहा हूं यहां से, ये क्या करता है, इसको छोड़ के भाग जाता है। अब ये इसको छोड़ के भाग गया, अब बेचारी इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसने तो अपने बाबू को छोड़ के भाग आई है। तो बाबू बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ये बोलता है काम करो, मुझे तो जरूरत है ही, चलो मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम फिर से वापस आ जाओ। तो ये क्या करेगी, ये बोलेगी अच्छा ठीक है, मुझे एक मौका और दो और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। तो ये क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था ये अंदर आता है। जब ये अंदर आएगा, ठीक है, जब फिर से ये घर के अंदर आएगा, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। उस मेहनत के बदले क्या होता है दोस्तों, यहां से क्या होता है, लाइट निकलती है, ठीक है। और यही लाइट क्या होती है, उनको दिखाई देती है जब प्लाज्मा होता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जो बिजली तड़कती है तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल आयनाइज हो जाते हैं, और उस आयनाइजेशन के वक्त जब वो पार्टिकल एक दूसरे से अलग होते हैं उस वक्त क्या होता है, करंट, मतलब क्या होता है, लाइट निकलता है, ठीक है। तो वही लाइट क्या होता है, हमको दिखता है, ठीक है, और वो लाइट कहां से निकल के आता है, प्लाज्मा से निकल के आता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम एक बॉक्स के अंदर क्या करें, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा हम हाइड्रोजन रख दें, ठीक है, और उसको हम क्या करें, आयनाइज करें। कैसे आयनाइज करेंगे, कैथोड और एनोड के द्वारा। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को बॉक्स में रखा है, उसको हमें बहुत ज्यादा डिग्री टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, उसको प्लाज्मा में बदलना है, तो समस्या ये होती है दोस्तों कि जिस बॉक्स में हम रखेंगे वही खराब हो जाता है या बहुत मेहनत लगती है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि एक तरफ प्लस चार्ज लगा दें, एक तरफ माइनस चार्ज लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्लस चार्ज की तरफ भागेगा, प्रोटॉन क्या होगा, नेगेटिव रॉड की तरफ भागेगा, ऐसे टूट जाएंगे, प्लाज्मा बदल जाएंगे। जब ये प्लाज्मा बदलेंगे तब ये क्या करेंगे, एक तरीके से ब्लू, मतलब पिंक कलर का ये क्या निकालते हैं, कलर निकालते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो अगर पिंक कहीं चमक रहा है किसी प्लाज्मा में, तो इसका मतलब ये समझ में आ जाता है कि वहां से क्या है, हाइड्रोजन का प्लाज्मा है, मतलब वहां के हाइड्रोजन जो है टूट गए हैं और बार बार वो क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट कर रहे हैं, मतलब कि ये बार बार इलेक्ट्रॉन इसको धोखा दे रही है, बाहर जा रही है, घूम टहल के आ रही है, इसको बेवकूफ बना के फिर अंदर आ जाती है। तो इसमें जो क्या होता है, एक लाइट निकलता है, और वही लाइट कौन से कलर में होता है, पिंक कलर में होता है। वहीं जब ऑर्गन का भी यूज करते हैं तो वह किस फॉर्म में होता है, वो रेड के फॉर्म में होता है। तो ये होता है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा सूरज में भी पाया जाता है और काफी जगह पाया जाता है। चलिए तो हमने जान लिया कि प्लाज्मा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, ठीक है, कि प्लाज्मा का यूज करके आप करंट भी बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ठीक है, कि क्या होता है, जब आप एक रॉड को क्या करते हैं, मैग्नेट के बीच में आप जब आप घुमाते हैं तो आपको वहां से क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है, जिसको आप डीसी एसी मोटर बोलते हैं। भाई उसमें आपने क्या किया, रॉड को घुमाया, मैकेनिकल फोर्स को कन्वर्ट बदल दिया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर इसी मैग्नेट के बीच से, जैसे ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ये जो मैग्नेट है, अगर इसी मैग्नेट के बीच से आप क्या करेंगे, प्लाज्मा को अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो भी आपको करंट मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पर कई साल तक वैज्ञानिकों ने काम किया कि हम क्या करेंगे, प्लाज्मा को निकालेंगे, करंट पैदा करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत है, और इफिशियंसी इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन आप बात समझ रहे, प्लाज्मा को बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर कोई हमारे पास ऐसा कैथोड एनोड आ जाए कि सूरज चमक रहा है, सूरज के बगल में लगा दें कैथोड एनोड, तो हमें खूब ज्यादा एनर्जी मिलेगी। लेकिन उतना बड़ा कैथोड एनोड कौन बना सकता है।
ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो फ्लो का कोर्स है वो आप जरूर अवेल करें, ठीक है, और अपने जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको बेटर बनाएं और एग्जाम को आप क्रैक करें। थैंक यू सो मच।